हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी राजा कंस के युग से संबंधित है। लंबे समय पहले कंस मथुरा का राजा था। वह बहन देवकी के एक चचेरे भाई थे। वह अपनी बहन को गहरे दिल से प्यार करता था और कभी भी उसे उदास नहीं होने देता था। वह अपनी बहन की शादी में दिल से शामिल हुआ और आनंद लिया। एक बार जब वह अपनी बहन के ससुराल घर जा रहा था, तभी उसे आकाश में छिपी आवाज से चेतावनी मिली कि कंस, जिस बहन को तुम बहुत प्यार कर रहे हो, वह एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। देवकी और वासुदेव का आठवां बच्चा तुझे मार डालेगा। जैसे ही उसे चेतावनी मिली, उसने अपने सैनिकों को अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में रखने के लिए आदेश दिया। उसने मथुरा के सभी लोगों के साथ क्रूरता से बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने घोषणा की कि मैं अपनी बहन के सभी बच्चों को, अपने हत्यारे को रास्ते से निकालने के लिए मार दूंगा। उसकी बहन ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, फिर दूसरा, तीसरा और फिर सातवां, जो कि कंस के द्वारा एक एक करके मारे गए। बाद में देवकी अपने आठवें बच्चे के साथ गर्भवती हुई, अर्थात कृष्ण जी, जो कि भगवान विष्णु का अवतार थे। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में मध्य रात्रि में श्रावण के महीने में अष्टमी आठवें दिन को जन्म लिया। उस दिन से लोगों ने उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्णाष्टमी का त्योहार मनाना शुरू कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण नव पृथ्वी में जन्म लिया, एक चमत्कार सा हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, रक्षक सो गए और एक छिपी हुई आवाज ने कृष्ण को बचाने के रास्ते के बारे में वासुदेव को बताया। वासुदेव ने कृष्णा को एक छोटी सी टोकरी में ले लिया और अंधेरे में मध्यरात्रि में एक बड़ी नदी से गोकुल में अपने दोस्त नंद के पास ले गए। उन्होंने एक बरसात की रात को पार किया, जहां शेषनाग ने उन्हें मदद की। उन्होंने अपने बेटे को अपने दोस्त यशोदा और नंद बाबा की लड़की के साथ बदला और कंस की जेल वापस लौट आए। सभी दरवाजे बंद हो गए और कंस को संदेश भेज दिया गया कि देवकी ने एक लड़की को जन्म दिया था। कंस आया और उस लड़की को पटक कर मारने की कोशिश की। उसी समय वह लड़की कंस के हाथों से अदृश्य होकर आकाश में अपने असली रूप बिजली कन्या के रूप में प्रकट हुई और उसने चेतावनी दी और कहा, अरे मूर्ख कंस, तुम्हारा हत्यारा तो बहुत सुरक्षित जगह पर बढ़ रहा है और जब भी तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा, तब वो तुम्हारा वध कर देगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के आठवें अवतार थे। यशोदा और नंद के सुरक्षित हाथ में गोकुल में बाल कृष्ण धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बाद में उन्होंने कंस की सभी क्रूरता को समाप्त कर दिया और कंस की जेल से अपने माता पिता को मुक्त कर दिया। कृष्ण की विभिन्न शरारती लीलाओं से गोकुलवासी बहुत खुश थे। गोकुल में रहने वाले लोग इस त्योहार को गोकुलाष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।